sacrophrenic artery, pericardiophrenic artery, superior phrenic और inferior phrenic. जो musculophrenic और pericardiophrenic है ये किसकी branches हैं? ये internal thoracic artery की branches हैं. ठीक है, internal thoracic artery की branches हैं musculophrenic और pericardiophrenic artery. ठीक है, उसके बाद superior phrenic जो है वो thoracic aorta की direct branch है और inferior phrenic जो है abdominal aorta की direct branch है. ठीक है, तो ये सब जो है ये डायफ्राम को सप्लाई मिलती है. नर्व सप्लाई हमने पढ़ा था कि वो फ्रेनिक नर्व से मिलती है. ब्लड सप्लाई मस्कुलोफ्रेनिक, पेरिकार्डिकोफ्रेनिक, सुपीरियर फ्रेनिक, इन्फीरियर फ्रेनिक. सुपीरियर इन्फीरियर फ्रेनिक तो याद ही रहेगा, और हमने ये भी पढ़ा हुआ कि ये मस्कुलोफ्रेनिक, इसमें भी फ्रेनिक फ्रेनिक हर एक में फ्रेनिक आ रहा है. ठीक है, तो ये होगी ब्लड सप्लाई. और ये जो फ्रेनिक नर्व हमने पढ़ी थी, फ्रेनिक नर्व, ये हमें पता है कि ये जो नर्व है ये किससे बनती है? C3, C4, C5. ठीक है, इनसे बनती है फ्रेनिक नर्व. ये इंपॉर्टेंट है, C3, C5 जो स्पाइनल को स्पाइनल नर्व है. ठीक है, इधर से बनती है, ये इंपॉर्टेंट है. एक और से इसको नर्व सप्लाई मिलती है. ठीक है, वो एडिशनल सेंसरी सप्लाई. ठीक है, सेंसरी, इससे तो मोटर मिल गई ना फ्रेनिक से. इससे मोटर, इसके बाद जो क्या बोलते हैं सेंसरी है वो कहाँ से मिलती है? एडिशनली इससे भी मिलती है, और वो है इंटरकॉस्टल नर्व. ठीक है, क्योंकि हमने देखा इसका कॉस्टल ओरिजिन भी है, तो इसीलिए इंटरकॉस्टल नर्व. ठीक है, जो फ्रेनिक है वो सेंसरी सप्लाई भी देता है और मोटर सप्लाई भी देता है, और सेंसरी की एडिशनल सप्लाई मिलती है इंटरकॉस्टल नर्व से. ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो हमारा ये डायाफ्राम है वो इंस्पिरेशन में इंस्पिरेटरी मसल है. अब कैसे मसल ये इंस्पिरेशन में काम आता है? क्या होता है कि जब हम इंस्पायर करनी होती है तो ये जो डायाफ्राम है हम बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? या तो ये ऊपर जाता है या फिर ये सीधा हो जाता है. तो एक तो ये पोजीशन हो गई, एक ये पोजीशन हो गई. तो इसका ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये पुल कर लेता है अपने आप को, ताकि अंदर यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाए और एयर जो है वो आ जाए. ठीक है, तो ये होता है कि जब उसने इंस्पिरेशन के वक्त हमारा जो ये सपोज ये डायाफ्राम था, सपोज ये ऊपर वाला पार्ट थोरेसिक पार्ट है, ये एब्डोमिनल पार्ट है, तो डायाफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, और ऊपर उसको थोरेसिक प्रेशर को नेगेटिव कर दिया ताकि एयर जो है वो अंदर आ सके. ऐसे ही हम लोग सक्शन क्रिएट करते हैं कि अंदर अगर नेगेटिव प्रेशर हो तो फिर हवा आ जाती है, उसके बाद जब हमने एक्सपायर करना हो तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है और वो हवा जो है वो बाहर निकल जाती है. ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ये एब्डोमिनल प्रेशर को प्रेशर बनाता है. मतलब एब्डोमिनल प्रेशर मतलब जब हमने डेफिकेशन करनी होती है, ठीक है, फीस डेफिकेट करना होता है, ठीक है, तब हम लोग तब ये डायफ्राम नीचे होता है ताकि नीचे जो एब्डोमिनल पार्ट है वहाँ पे प्रेशर पड़े. दूसरा, या पार्चुरेशन होती है, लेबर का टाइम है, ठीक है, तब भी ये डायफ्राम हेल्पफुल होता है. तो इन सब चीज़ों में भी डायफ्राम का रोल है काफ़ी. तो ये था डायफ्राम के बारे में. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क. थैंक यू.